हेलो फ्रेंड्स आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल सो इन टुडेज़ वीडियो आई विल डिस्कस इंट्रोडक्शन क्वेश्चन आज के इस वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगी इंट्रोडक्शन क्वेश्चन द टॉपिक इज़ सोशल मीडिया जो टॉपिक है वो सोशल मीडिया से रिलेटेड है सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट स्टार्ट टुडेज वीडियो तो पहले हम ये जान लेते हैं कि मीनिंग क्या होता है सोशल मीडिया का सो so, मैं यहाँ पे सारा कुछ एक्सप्लेन कर चुकी हूँ वैसे मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि सोशल मीडिया का क्या मतलब होता है सो so, जो वेबसाइट वग़ैरह हम देखते हैं गूगल पे आती हैं और जो एप्लीकेशंस जो ऐप एप वगैरह हम यूज़ करते हैं कुछ भी क्रिएट करने के लिए कोई भी चीज़ इंटरनेट पर शेयर करने के लिए सो so, एक दूसरे से बातचीत करने के लिए सो so, ये सारे सोशल मीडिया ही हैं सो बेसिकली से ही बोला जाता है बाकी आप इसे रीड कर सकते हो अगर आपको ज़्यादा डीपली जानना है सोशल मीडिया के बारे में इसके ट्रांसलेशन भी यहाँ पे आपको मिल जाएगी सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज डू यू और योर फ्रेंड्स लाइक यूजिंग सोशल मीडिया कि आप और जो आपके दोस्त हैं वो पसंद करते हैं सोशल मीडिया की वर्तू करना आपसे ये पूछा जा रहा है द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फर्स्टली अगर देखा जाएगा गाइस तो सोशल मीडिया हर एक पर्सन यूज़ करता है तो हम इसे मना नहीं कर सकते कि मैं सोशल मीडिया की बिल्कुल भी वर्तो नहीं करती या फिर करता इस तरीके से नहीं बोल सकते सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डेफिनेटली यस बिल्कुल हाँ मी एंड माई फ्रेंड्स मैं और जो मेरे दोस्त हैं लाइक टू यूज़ सोशल मीडिया पसंद करते हैं जो सोशल मीडिया उसकी वर्तों करना बिकॉज क्योंकि इट हेल्प्स अस टू शेयर इंफॉर्मेशन क्योंकि ये हमारी सहायता करता है कि जो इंफॉर्मेशन है जो जानकारी है उसको शेयर करने के लिए साझा करने के लिए दूसरों के साथ इंटरनेट के द्वारा लर्नस न्यू थिंग्स जो नई नई चीज़ें हैं उन्हें सीखने में डेवलप्स इंटरेस्ट जो हमारे इंटरेस्ट है जो हमारी रुचि है रुझान है तो उसे डेवलप करने में मतलब विकसित करने में एंड और इंटरटेन्ज आर सेल्फ इन मतलब ख़ुद को मनोरंजन करने के लिए खुद का मनोरंजन करने के लिए हम इसकी वर्तों करते हैं मोस्टली ज़्यादातर वही यूज़ हम वर्तों करते हैं फेसबुक इंस्टाग्राम यूट्यूब लिंकड इन ट्विटर एंड सो ऑन सो यहाँ पे मैंने कुछ जो ऐप है उनके नाम वगैरह दिए हैं तो इस तरीके से आप इसका आंसर कर सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन है डू यू थिंक यू और योर फ्रेंड्स यूज टू मच सोशल मीडिया तो इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि आपको आप क्या सोचते हो कि आप और जो आपके दोस्त हैं वो बहुत ज़्यादा वर्तो करते हैं सोशल मीडिया की द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नो नहीं आई डो नंसिडर मतलब मुझे नहीं लगता आई नॉट थिंक भी बोल सकते हो यहाँ पे। दैट कि मी एंड माई फ्रेंड्स कि मैं और जो मेरे फ्रेंड्स हैं यूज टू मत शोशल मीडिया की वर्तो करते हैं सोशल मीडिया की बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा नहीं लगता बिकॉज क्योंकि वी जस्ट स्पेंड एन आर ऑन शोशल मीडिया कि हम सिर्फ एक ही घंटा स्पेंड करते हैं इंटर सॉरी सोशल मीडिया पर स्पेंड मतलब बतीत करना वी यूज़ दिस हम इसकी वर्तो करते हैं मतलब सोशल मीडिया की फॉर एजुकेशनल पर्पस जो एजुकेशनल मतलब पढ़ाई से रिलेटेड हम इसकी वर्तो करते हैं लर्निंग न्यू थिंग्स नई चीज़ें सीखने के लिए स्टे कनेक्टेड विद अदर्स दूसरों के साथ कनेक्टेड जुड़े रहने के लिए एंड और शेयरिंग आर थाट्स जो हमारे विचार हैं उनको साझा करने के लिए एक्चुअली दरअसल वी ऑल अंडरस्टैंड मतलब मैं और जो मेरे फ्रेंड हैं वो समझते हैं अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना द वैल्यू जो कीमत है ऑफ़ आर टाइम जो हमारे समय की कीमत है वैल्यू है हम उसे समझते हैं दैट इज़ वाई इसीलिए वी वही गिव मच प्रेफरेंस कि हम ज़्यादा तरजीह देते हैं मच मतलब ज़्यादा गिव मतलब देना प्रेफरेंस का मतलब होता है तरजीह एंड टाइम और जो टाइम है ज़्यादा टाइम देते हैं समय देते हैं टू आवर स्टडी जो हमारी पढ़ाई है उसे करियर जो हमारा करियर है उसे एज़ कम्पेयर टू सोशल मीडिया अगर इसे कंपेयर किया जाए अगर इसकी तुलना की जाए सोशल मीडिया से द थर्ड क्वेश्चन इज डू यू वॉन्ट टू वर्क इन सोशल मीडिया वाई सो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि, कि क्या आप सोशल मीडिया में काम करना चाहते हो अगर चाहते हो तो क्यों अगर नहीं चाहते हो तो क्यों नहीं चाहते हो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज यस हाँ आई वुड लाइक टू वर्क इन सोशल मीडिया कि मैं चाहूँगी काम करना सोशल मीडिया में बिकॉज क्योंकि दिस विल गिव मी मोर डीप नॉलेज क्योंकि यह मेरे को देगा ज़्यादा डीप नॉलेज जानकारी एंड और एक्सपीरियंस अनुभव ऑफ वेरियस थिंग्स अलग अलग चीज़ों का विच जो कि आई डू नॉट अवेयर अबाउट जिनके बारे में मेरे को नहीं पता उन चीज़ों का मेरे को एक्सपीरियंस देगा मेरे को ज़्यादा डीप नॉलेज मिल जाएगी अपार्ट फ्रॉम दिस इसके अलावा वर्किंग इन सोशल मीडिया सोशल मीडिया में काम करना विल आल्सो हेल्प मी वो मेरी सहायता करेगा टू अर्न मनी पैसा कमाने में एंड फेम और शहरत कमाने में द लास्ट क्वेश्चन ऑफ़ दिस वीडियो इज़ वट इज़ द मोस्ट पॉपुलर सोशल मीडिया इन इंडिया सो इसमें पूछा जा रहा है कि जो इंडिया है भारत है उसमें कौन सा सोशल मीडिया सबसे ज़्यादा पॉपुलर है सबसे ज़्यादा मशहूर है पॉपुलर मतलब मशहूर होना मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा एंड वाई क्यों है रीज़न बताने हैं इसमें द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन आई थिंक मुझे लगता है इट कीप्स ऑन चेंजिंग विद टाइम्स ये चीज टाइम के साथ बदलती रहती है इन In इंडिया भारत में फेसबुक एंड टिकट जो फेसबुक एंड टिकटॉक है वर वेरी पॉपुलर वो बहुत ज्यादा मशहूर थे बट पर टुडे अगर आज की बात करें इट इज़ टेकन ओवर बाय इंस्टाग्राम ये चीज़ इंस्टाग्राम के पास आ गई है तो इंस्टाग्राम आज के समय में इंडिया में ज़्यादा पॉपुलर है इट इज़ पॉपुलर यह मशहूर है बिकॉज क्योंकि दिस एप्लीकेशंस इज़ सिंपल क्योंकि जो एप्लीकेशन है वो सिंपल है मतलब सरल है आसान है यूज़ करना एंड और इजी टू यूज़ और इसकी वर्तो करना बहुत आसान है मोर ओवर पीपल कैन अर्न मनी फ्रॉम इट कि जो लोग हैं वो इंस्टाग्राम से पैसे कमा सकते एंड और दिस हेल्प्स और इंस्टाग्राम है वो सहायता करता है डैनिजन लोगों की टू बिकम फेमस फेमस बनने में मशहूर होने में लोगों की सहायता करता है सो कहा से हमने बताया है कि इंस्टाग्राम सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और क्यों पॉपुलर है उसके हमने बताया है बिकॉज लगा के हमने आगे इसको कवर किया है सो so, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखोगे तो स्पीकिंग बहुत ही ज़्यादा आसान लगेगी हमें बस यही देखना होता है एग्जामिनर ने पूछा क्या क्या, क्या चीज़ें हैं अगर एग्जामिनर ने वाई पूछा है तो उसका आंसर देना ज़रूरी है हमारे लिए अगर हम नहीं देंगे तो एग्जामिनर ने बाद में नेक्स्ट जब क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें पूछ लेना है वाई तो तब भी हमें क्लियर करना पड़ेगा सो so, इससे इस अच्छा है बेटर क्या है कि हम पहले ही जो भी चीज़ का हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है जिस मतलब किसी भी चीज़ के बारे में हमारा जो भी पॉइंट ऑफ व्यू हम शेयर करते हैं एग्जामिनर के साथ आंसर में सो so, हमें उसको बताना होता है कि हमें ऐसा क्यों लगता है वाई ऑलवेज़ वाई को क्लियर करके कर चलोगे तो आपके लिए स्पीकिंग बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगी सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टू दिस वीडियो आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर सकते हो शेयर कर सकते हो नेक्स्ट टॉपिक जिस पे आपको वीडियो चाहिए उसका नेम सजेस्ट कर सकते हो नीचे कमेंट सेक्शन में चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर मोर वीडियो रिलेटेड टू आर्स सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय एंड टेक केयर